वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। बीकानेर से ये बड़ी खबर, जहां गंगा शहर फायरिंग मामले में सफलता मिली है। पुलिस को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एसपी प्रहलाद कृष्णिया की प्रेस वार्ता चल रही है। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ चल रहा है बताएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीकानेर में जिस तरह एक बार ये हुआ था कि कुछ फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, कुछ और चीज़ें हुई, तो निश्चित तौर पर एक सफलता मिली है पुलिस को। एसपी प्रहलाद कृष्णिया यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक हथियार भी जब्त किया गया। और देखिए, लगातार जब घटनाएँ होती हैं और उसके बाद जब ये हो जाए कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो जाएँ और उसके बाद पुलिस को सफलता मिले, तो कहा जा सकता है ये अच्छी खबर सोसाइटी के लिए भी है। प्रहलाद जी कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर देखिए, सवाल उठे थे लेकिन अब पकड़े गए हैं, कुछ ये कहा जा रहा है मुख्य आरोपी अभी बाहर है, तो क्या लग रहा है, क्या ब्रीफिंग आपकी है? इसमें 19-20 तारीख को घटना होते ही बीकानेर पुलिस ने, मेरी टीम में जो भी एडिशनल एसपी सीओज संबंधित एसएचओज हैं, उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। हम लोगों ने मीटिंग की, मीटिंग करने के साथ में ही जो हमें लगा कि जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि अपराधी अपराध कर निकल सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारी पुलिस टीम ने सारे अपने अनुभव संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए 3 दिन के अंदर पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई हथियार बरामद हुआ है? बिल्कुल, इसमें अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 21 तारीख को तो गजेंद्र सिंह, जिसने कि यह हथियार उपलब्ध करवाया था उसको, फिर नेक्स्ट डे अक्षय खत्री, जो कि जिनके अकाउंट में यह मनी जो कि नरेंद्र के घर पे फायरिंग हुई सुराना के, उनके द्वारा जमा कराने के संबंध में बातचीत आई, उसको भी ले लिया है एंड बैंक अकाउंट और सब इस संबंध में चेक किए जा रहे हैं। फिर भानु प्रताप सिंह और ललित तंवर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए। ललित फायरिंग करने वाला था और भानु उस टाइम में मोटरसाइकिल पर बैठा था, सीसीटीवी फुटेज में भी यह क्लियर है। और राहुल पारीख और योगेश, इस तरह से कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। और हरिओम रामावत के अरेस्ट होते ही गंगा शहर वाली जो नरेंद्र सुराना के मकान की फायरिंग है उसके संबंध में पूरा हो जाएगा और इनका आपराधिक रिकॉर्ड, बाकी सारी गतिविधियां चेक करने कर इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही। एक सवाल, एक सट्टे को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि सट्टे को लेकर बात आ रही है, दूसरी जो बात आ रही है अवैध वेपन्स को लेकर, आपने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे, यदि किसी पुलिसकर्मी की सहभागिता पाई जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे बीकानेर की जनता से? इसमें हमारे यहाँ पे हथियारों के संबंध में विशेष अभियान चल रहा है और पिछली 9 तारीख से लेके आज तक हमने कुल 17 वेपन इलीगल जब्त किए हैं। और इसमें भी मैं आपको याद दिला दूं कि बीछवाल थाना अधिकारी ने, जो कि गाड़ी लूटकर पंजाब से चले थे, उस गाड़ी को 4 हथियारों के साथ में अरेस्ट किया और गाड़ी भी जब्त की, जो कि कोई बैंक या ऐसी लूटने की वारदात को बड़ी को अंजाम दे सकते थे। तो मुझे, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं कोई कमी नहीं है और जैसे ही हमें सूचना मिलती है उस पर हम प्रभावी और निश्चित रूप से पुनरावृत्ति न होने देने वाली कार्रवाई करते हैं और यह जारी रहेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कर्मियों के लिए भी एक तरह चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई संलिप्तता पाई जाती है, उसको लेकर क्या था आपका? बिल्कुल, इसमें हमारे पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी, उसके अंदर कोई भी पुलिसकर्मी प्रोक्स या अप्रोक्स किसी भी तरीके से उसकी कहीं से कोई है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासन कार्रवाई की जाएगी और यह है नीट एंड क्लीन आदेश। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे एसपी प्रहलाद कृष्णिया, जिन्होंने हमसे बात की और कहा कि पुलिस ने जो है एक तरह से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, एक जो आरोपी वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएगा, लगातार अभियान चला रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात आती है तो उन्होंने अपील भी की है कि सीधे पुलिस को बताएं, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कहा जा सकता है निश्चित तौर पर शकुन भरी खबर है पुलिस के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।
तो एसपी प्रहलाद कृष्णिया को आप सुन रहे थे। प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई हम आगे भी करते रहेंगे। गंगा शहर फायरिंग मामला था जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, सफलता पुलिस को मिली है, जिसके बाद प्रहलाद कृष्णिया की प्रेस वार्ता हुई थी और प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की। बातचीत में बेहद खुलासे भी उन्होंने किए और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी की होगी, गिरफ्तारी से जो बरामदगी हुई है वो भी यहां पर साफ दिखाई दे रही है। तो गंगा शहर फायरिंग मामला जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, सफलता मिली है, बड़ी सफलता यहां हासिल हुई है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिवली तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी प्रहलाद कृष्णिया से बातचीत हुई थी हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव से और उन्होंने साफ कहा कि आगे भी हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे।